अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मनायल हेल्थ एंड ब्यूटी सेंटर। मनायल हेल्थ एंड ब्यूटी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, से काले स्याह बाल किसको पसंद नहीं होते हैं? जबकि सर में कुछ सफ़ेद बाल नज़र आए और आपकी शख्सियत भी तबाह हो जाती है, आपको टेंशन अलग लग जाती है। लेकिन आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है, कुछ डिप्रेशन, तेज़ी से चलती हुई लाइफ, कुछ पानी के मसले मसाइल, पोल्यूशन, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी। तो बाल सफ़ेद होने से एज का कोई ताल्लुक नहीं है, बाल आजकल बहुत से लोगों के जल्दी ही सफ़ेद हो जाते हैं। आज मैं आपको सेसमी ऑयल से, यानी कि तिल के ऑयल से, तिल के तेल से एक ज़बरदस्त रेमेडी बताने वाली हूँ। आपके बाल जिंदगी भर जो है दोबारा सफ़ेद नहीं होंगे, और सफ़ेद बाल जो हो चुके वो भी जल्दी जल्दी काले हो जाएंगे। मज़ीद इसके लिए हमें चाहिए एक अदद आलू। आलू हमें नहीं चाहिए पूरा, आलू का छिलका चाहिए होगा। इसको धो के अच्छे से सुखा लेंगे और इसका छिलका चाहिए हमें। प्याज को भी अच्छे से धो लेंगे हम। मेरे पास बड़ा प्याज नहीं था तो मैंने छोटे तीन इस्तेमाल किए हैं। एक बड़ा सा आपने प्याज लेना है, उसको धो के अच्छे से उसका छिलका इस्तेमाल कर लेना है। एक बीट रूट चाहिए, चुकंदर, आजकल सीजन भी है तो आपके लिए बहुत गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छे से धो के सुखा लें ताकि डर्ट वगैरह ना हो कुछ भी, तो आप इसका छिलका उतार लें। देखिए इस तरह से छिलके हम जो कि वेस्ट कर देते हैं, आज हम इसको यूज़ में लाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के लिए। तीनों के छिलके एक ही जगह मैंने रख लिए। ये तकरीबन हमें एक पाव तेल चाहिए, तिल का। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे ये होगा कि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी। और ये ज़रूर कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत थैंक यू। अब चलते हैं हम रेमेडी की तरफ। किसी भी पैन को या बर्तन को अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे। अब मैंने रख दिया है, ये गर्म हो रहा है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं तिल का तेल ऐड करूंगी। ये तिल का तेल मैं इसमें डाली, तकरीबन मैंने एक पाव लिया है। सर्दी की वजह से इस तरह का लुक दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होगा आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आने लग जाएगा। तिल का तेल वैसे भी अगर आप गर्म करके सर में लगाते हैं तो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये जैसे जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये गर्म हो रहा है, इसमें मैं चुकंदर का छिलका ऐड कर रही हूँ। मुझे इस वक्त यही पैन अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक साथ में हेल्पफुल टिप देना चाहूँगी कि खुला और थोड़ा बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसके अंदर छिलके ऐड करेंगे या अपना एक्सट्रैक्ट इसके अंदर छोड़ेंगे, ये गर्म होगा, इसमें जो है ये बॉयल होगा, उबाल आएगा, तो ये बाहर की तरफ भी गिर सकता है। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए आप, ये झाग सा बन गया, इसने अपने इसके अंदर एक्सट्रैक्ट छोड़ा है छिलकों ने, और ये इसके अंदर बर्न हो रहे हैं। और फुल, अब जब तक ये काले नहीं हो जाएंगे हमने इनको इसके अंदर जलाना है, पका लेना है अच्छे से। साइड से देखिए आप देख सकते हैं इजीली यहाँ के छिलकों का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, और ये बबल्स जो इसके अंदर बन गए हैं ये अपना एक्सट्रैक्ट इनमें छोड़ दिया है ऑयल के अंदर। अब इसको अच्छे से पकाने के साथ साथ मैं हिलाती जाऊंगी। देखिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ऑयल का कलर तकरीबन अभी तक वैसा ही है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और अब ये तकरीबन इसके अंदर पूरी तरह से पक चुके हैं, जल चुके हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जलेंगे, ठीक है। अब ये जो जले हुए छिलके इनको आप अलग से निकाल लीजिए, और पीछे जो तेल है इसको छान के अपने पास किसी बॉटल में आप सेव कर लें। व्यूअर्स, आपका मेडिकल ऑयल रेडी है। अब आप इसको जब भी मसाज करके लगाएंगे 2 घंटे के लिए रहने देंगे, फिर सर वॉश कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये ऑयल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके हैं। आप इसको 2 महीने तक इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। कोई आपको कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डाई नहीं करना पड़ेगा, ये अंदर से आपके बालों का पिगमेंट चेंज करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।